हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तू व्यम जैसा कि आप सभी को पता है इस बार का सावन मास बहुत है खास जी हाँ साथियों और प्रतिदिन क्या क्या उपाय करने हैं आपको अपने इस चैनल से प्राप्त होते रहेंगे इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें चलिए चलते हैं सावन मास के तीसरे दिन गुरुवार के उपाय की तरफ जो है धन प्राप्ति के लिए यश के लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए क्या करना है पीली सरसों लेनी है इस तरह से पीली सरसों आपको थोड़ी सी ले लेनी है और जो जल के पात्र हम शिवालय लेकर के जाएंगे क्योंकि पूरा सावन मास दो जल के पात्र हमको लेकर के जाना है दोनों ही जल के पात्र में हम पीली सरसों डाल देंगे थोड़ी 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 पीली सरसों डाल दी और इस तरह से जल के पात्र लेकर के शिवालय ले जाए और अपना नाम व गोत्र बोलते हुए जो नाम है गोत्र है वह बोलते हुए शिवलिंग पर श्री शिवाए नमस्तु व्यम बोलते हुए पीली सरसों वाला जल अर्पण करेंगे जिससे मान सम्मान प्रतिष्ठा यश में वृद्धि होती है और शिव करते हैं माला मार जी हाँ इस तरह से दोनों ही पात्रों को लेंगे और कावड़ जिस तरह से जल चढ़ाते हैं उसी तरह से हमें जल अर्पण करना है पूरे सावन मास तो इस तरह से जल अर्पण करेंगे और बड़े भाव से भक्ति से इन उपायों को करेंगे इसी तरह से प्रतिदिन के उपायों को जानने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें गुरुदेव जो उपाय बताते हैं आपको अपने इस चैनल से प्राप्त होते रहते हैं प्रतिदिन के सिर्फ दो दो मिनट के उपाय रहेंगे इन्हें ज़रूर करें 108 जो वस्तु हम प्रतिदिन चढ़ा रहे हैं वह तो हमको चढ़ानी ही है उसके अलावा प्रतिदिन के ये छोटे छोटे उपाय रहेंगे इन्हें करें जिससे घर के अंदर सुख समृद्धि वैभव और यश में कीर्ति में हमेशा बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होती रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें आपके कोई प्रश्न होते कमेंट ज़रूर करना उत्तर देने की कोशिश करेंगे हर हर महादेव